स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन 1 बुक में करना था और 2, 3 और 4 ये हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको डेसिमल जो दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसका रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कटिंग करके और भी इसको रिड्यूस करना है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, जैसे आपको 0.6 दिया है, ये पॉइंट उड़ाना होता है। तो पॉइंट उड़ाते हैं जब हम, तो पॉइंट उड़ाने पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो 1 0 आ जाता है नीचे। पॉइंट उड़ाने पे 1 और 1 डिजिट है तो 1 0, तो ये क्या बन जाएगा, 6/10, ये फ्रैक्शन हो गया। और फिर इसको रिड्यूस करना है, यानी दोनों कौन से टेबल से कटेंगे, 2 से, 2 3 जा और 2 5 जा, तो 3/5 इसका रिड्यूस फॉर्म होगा, यानी फ्रैक्शन बनेगा 6/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 आएगा। तो 1 1 पॉइंट उड़ाने का 1 और 1 0 यानी 1 डिजिट यानी 1 0 यानी 6/10 हो गया। ऐसे ही 2.5 में भी पॉइंट उड़ाएंगे, तो पॉइंट उड़ाने पे 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे, तो 25/10 इसका फ्रैक्शन हो गया। जब इसको काटेंगे तो ये 5 के टेबल से कटेगा, 5 5 जा और 5 2 जा, 5/2 इसका रिड्यूस फॉर्म होगा। ऐसे 1.0 है, 1.0 यानी 1 ही है, तो आंसर 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर 1.0 जब पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी 10, 10 से 10 कट जाएगा, 1/1 यानी इसका आंसर 1 आएगा। ये आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे। इसके जो बाकी के सम हैं वो भी सेम इसी तरह से, 3.8 यानी पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी नीचे 10 हो जाएगा, तो 38/10 इसको काटेंगे 2 से, तो 2 5 जा और 2 19 जा, 19/5 फ्रैक्शन होगा। 13/7 भी 137/10 हो जाएगा, और ये कटता नहीं है किसी भी नंबर से, तो ये 137/10 ही रहेगा। 21.2 पॉइंट उड़ाने पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, काटनेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 6 जा 12 होगा। यहाँ पे 16 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, 1 के लिए पहले यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो 106/5 आएगा। और लास्ट जो सम है इस क्वेश्चन का 6.4, पॉइंट उड़ाने पे नीचे 10, 64/10 इसको कटिंग करेंगे 2 से, 2 5 जा और 2 32 जा, 32/5 इसका आंसर आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, डेसिमल का फ्रैक्शन बनाना था और फ्रैक्शन को फिर रिड्यूस करना था कटिंग करके। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उतने 0 आपको नीचे लगाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस है सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, आपको एक सीक्वेंस याद होगी, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जब आते हैं तो एक ही का गैप है उसमें, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी उल्टा चल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 10 से मिलीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन मिलीमीटर में है और सेंटीमीटर में करना है, तो 2 मिलीमीटर इक्वल्स टू 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 2/10 सेंटीमीटर यानी पहले हम पॉइंट उड़ाते थे और फिर नीचे 10 लिखते थे या 100 जो भी आए जितने डिजिट है, अब 10 नीचे है तो अब पॉइंट लगाना है। अब नीचे 1 0 है तो इधर से 1 डिजिट गिन के इधर पॉइंट आएगा, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। 1 0 है यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 2 के पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ऐसे ही 30 मिलीमीटर को करना है तो 30/10 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10 करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर और 3.0 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एज डेसिमल बोला है। फिर नेक्स्ट है 116 मिलीमीटर, तो 116/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 है यानी 1 डिजिट के पहले, इधर 1 0 है तो 1 के पहले यानी 6 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 11.6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब ये 4 तो सेंटीमीटर है ऑलरेडी, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, प्लस करके 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 2/10 सेंटीमीटर होगा। ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड बाई 10 यानी 1 डिजिट है 0, 1 0 है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही 162 मिलीमीटर, यहाँ पे ध्यान रखना है सेंटीमीटर को डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर है, खाली इसको डिवाइड करके 0.2 आ जाएगा, तो 4.2 आंसर होगा। ऐसे ही 162/10, 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे 1 डिजिट के पहले लगेगा, 1 0 है तो 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 16.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। और इसका जो लास्ट सम है 83 मिलीमीटर, तो वही 83/10, 1 0 यानी 1 डिजिट के पहले लास्ट से, 8.3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यानी इस सम में जो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है उसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो भी सम दिया है उसको डिवाइड बाय 10 करना है अगर मिलीमीटर दिया है तो, और सेंटीमीटर है तो ऐसा का ऐसा रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
सिक्स फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको बताना है कि ये जो डेसिमल दिया है वो किन होल नंबर्स के बीच में आता है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाई एंड विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द नंबर। पहले तो बताना है कहाँ किसके बीच में आएगा और किसके नियरर है दो दो में नंबर जो हम बताएंगे उनके। जैसे 0.8 है तो यहाँ पे हमारा 1 है, तो 0.8 जो है 1 से पहले, क्योंकि आपको पता है 0.8 मतलब 8/10, यानी 0 से 1 के बीच में हम 10 पार्ट करते हैं, 10 में से 8वें पार्ट पे ये आता है। तो 0.80 और 0.8, अब ये किसके बीच में आया, बिटवीन 0 एंड 1, और ये किसके नियरर है, 0 के नियरर है या 1 के नियरर है, तो नियरर टू 1 क्योंकि 1 के नज़दीक है ये। फिर 5.1 भी ऐसे ही होता है, 5 और 6 के बीच में 5.1 आता है और ये 5 का नियरर है। अब 2.6 देखेंगे तो ये आधा 2.5 उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 2.6 यहाँ आएगा, तो 2.6 किसके नियरर होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। पहले तो ये लिख लेंगे कि बिटवीन 2 एंड 3, और किसके नियरर है वो बताना है, तो ये आधे से इस तरफ है तो वो नियरर टू 3 होगा, नियरर टू 3 क्योंकि 2.5 के बाद है वो। फिर है नेक्स्ट 6.4, तो 6.4 आधे से पहले होगा, यहाँ पे मान लीजिए 6.4 आ रहा है तो आधे से पहले है, यानी यहाँ आधा आता है तो आधे से पहले, यानी नियरर टू 6 हुआ, और बिटवीन 6 एंड 7 होगा ये, बिटवीन 6 एंड 7 एंड नियरर टू 6 क्योंकि 6.4 6 के करीब है। 9.1 9 और 10 के बीच में आएगा और 9 के नज़दीक होगा, यहाँ 9.1 अगर है, बिटवीन 9 एंड 10 होगा और नियरर टू 9 आएगा। 4.9 4.9 जो होगा यहाँ कहीं आएगा, 4.9 4 के बाद 0.9, तो 4.9 जो है 4 और 5 के बीच में आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बिटवीन 4 एंड 5, और अगर नियरर पूछें तो ये 5 के नज़दीक होगा, तो नियरर टू 5 ये आपको लिखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये नंबर लाइन पे कहाँ आएगा और किसके नज़दीक, जिन दो नंबर्स के बीच में आएगा उसके किसके नज़दीक होगा वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब 0.2 है, 0.2 मतलब 2/10 हुआ, यानी 0 से 0.2 है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो उसके बीच में हमको 10 पार्ट करने हैं क्योंकि 0.2 मतलब 2/10, तो हर एक के बीच में 10 पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.3, इस तरह से ऊपर नीचे लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये जो 0.2 आएगा वो यहाँ आएगा, तो ये 0 और 1 के बीच में ये 0.2 10 पार्ट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वें पे आपका 1 आ जाएगा, 10वें पार्ट पे, तो ये टोटल 10 पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि 0.2 है यानी 2/10 है, यानी 2/10 यानी आपको 0.2 जो है वो दूसरे नंबर पे लगाना है। नेक्स्ट है 1.9, 1.9 1 एंड 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में ऐसे ही 10 पार्ट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें पे 2 आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में 0.9 आएगा, तो यहाँ पे 1.1 1 है तो हम 0.1 नहीं लिखेंगे, 1 के बाद 0.1, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरह से करते करते 1.9 और यहाँ पे 2 आएगा, तो 1.9 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सी और डी पार्ट है वो आपको खुद ही करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, वो आप होमवर्क में करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी। ए बी सी डी से जो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपको बताना है। ये 0 है, 0 से 1, ये 1, ये 2, ये 3। अब ए बी सी डी यहाँ पे दिए हुए हैं, अब हर एक के बीच को, हर एक 0 से 1 को 10 भागों में बांटा गया है, तो ए कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आ रहा है, तो ए पे क्या होगा, 0.8। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में बी है और वो 1 के बाद तीसरे नंबर पे है, यानी 1.3, और ये सी जो है 2 के बाद दूसरे नंबर पे है, तो 2 तो होगा ही और दूसरे नंबर पे, यानी 0.2, और डी जो है 2 के बाद 9वें नंबर पे है, तो 2.9, तो 2 तो रहेगा ही और 0.9 यहाँ आएगा, इसलिए 2.9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट सम है उसमें आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर ऐसा दिया है, तो अभी मैंने नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में आपको लास्ट बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आपको इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी डिवाइड बाई 10 करना है,
तो 9 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। और 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो ये मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये 5 बाई 10 मतलब एक डिजिट है, 1 0 है, यानी 1 के पहले लगेगा, तो इसका आंसर जो आएगा 9 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 9.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऐसे इसका जो बी पार्ट है, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बताना है, तो 65 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर यानी 10 से डिवाइड होगा, तो 65 बाई 10 करेंगे और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 1 0 यानी 1 डिजिट के पहले लगेगा, यानी 65.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। जो क्वेश्चन 6 था वही क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इस तरह से आपको करना है और इसमें से पॉज करके आपको लिखना है। इसका PDF आपको किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, आप समझते हुए आसानी से लिख सकते हैं इसको, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है आपका। ठीक है, अच्छे से काम नोटबुक में करिए। थैंक यू।